हमारे चैनल टेरेस गार्डन जीपी गुप्ता। आज हम आपको जो आपके यहाँ पे जो फालतू की बोतल पड़ी रहती है प्लास्टिक की, उनका यूज करना बताएंगे कि उनका कितना अच्छी यूज होता है और कितनी अच्छी इनमें सुंदर सुंदर प्लांट्स आप लगा सकते हैं और आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं आज इसका यूज किस तरह से करते हैं। देखिए, एक प्लास्टिक की बोतल है, एक वो बोतल है जो हमने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जाता है, इसका कहीं कोई यूज नहीं होता है। वैसे तो ये कबाड़े में चली जाती, कई लोग इसको बेचते हैं, लेकिन इसका कोई ज्यादा रेट नहीं मिलता है। एक बोतल की प्राइस मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपए के लगभग ही पड़ती है। तो लेकिन घर पे इसका यूज इतना है कि ये बहुत अच्छा इसका यूज हो सकता है। इसका यूज करना हम आपको बता रहे हैं किस तरह। देखिए, एक बोतल है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसमें देखिए, यहाँ से टांगने वाला, तो हम एक यहाँ से अगर टांगने वाला तो नीचे से कट कर लेंगे, इधर से ऊपर की तरफ से, और अगर इस तरह से टांगना है तो यहाँ से कट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से, जब टांगने के लिए इसकी व्यवस्था है तो हम इस तरह से कट कर लेंगे ऊपर की तरफ से। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से इसको कट कर लेंगे। एक साइड ये हो गया है, दूसरी तरफ अगर एक साइड बनाना चाहे तो एक साइड कर सकते हैं, और दूसरी जगह अगर दोनों तरफ आप मैं पेड़ लगाना चाहते हैं तो दोनों तरफ भी ये बन सकता है। तो दूसरी तरफ भी हम काट लेते हैं। काटना बहुत आसानी से होता है, ताकि हमें ये भी देखना है कि हमें कोई भी नाइफ चुभे ना, बड़ी सावधानी के साथ काटना होता है। कई बार कई जगह हार्ड भी होती है बॉटल्स, तो ये ध्यान रखना है कि काटते समय बहुत सावधानी से काटना है। ये देखिए, हमने ये बोतल काट ली है। देखिए, यहाँ से एक होल कर देते हैं ताकि इसका, ये देखिए एक होल कर दिया यहाँ से, ताकि इसका प्रॉपर ड्रेनेज बना रहे पानी का। और इसके बाद क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी हम बालू ले लेंगे, थोड़ा सा एक बालू ली है, बालू हमारी रखी हुई थी, इसमें थोड़ी सी बालू डाल देंगे। ये देखिए, हमने बालू डाल दी। और इसके बाद ये मिट्टी, मिट्टी का ये ध्यान रखना है खास तौर से कि मिट्टी में हल्की नमी हो, साथ में आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से कंपोस्ट गोबर की खाद जो है वो लगभग 25% ही मिलानी है, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी बनी हुई है तो इसमें हम कम ही मिलाएंगे। अगर आपकी बनी हुई रखी है किसी गमले की पुरानी तो करीब 20% खाद मिलानी है, और अगर नहीं बनी रखी है तो करीब 25-30%। बस इससे ज़्यादा गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद नहीं मिलानी है गर्मियों के टाइम पे, नहीं तो क्या है, ये गर्मी की वजह से पेड़ खराब होने का डर रहता है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी इसमें खाद मिलाई है, ज़्यादा नहीं मिलाई अभी, करीब हमने 15-20% मिलाई है। ये हमने खाद मिला ली है और इसको थोड़ी हमारी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, इसमें पर्याप्त नमी है, और इस तरह से हम इसको भर देंगे। थोड़ा सा इसको खाली रखना है ताकि इसका जब पानी अपन डालेंगे तो ये मिट्टी ओवर ना हो, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम
उसको रख लिया, और भी इसमें भर देंगे इसी तरह से। तो इस तरह से हम लेंगे। और अब हम इसमें जो पेड़ लगाएंगे वो हैंगिंग तरह के प्लांट लगाएंगे जो कि फूल भी दे और लटके भी। तो इस समय ये देखिए, ये इसमें हम लगाएंगे, ये नौबजी बोलते हैं इसको, वैसे तो नौबजी भी इसका नाम है, नौनिया भी कहते हैं, और पौडुलाका भी इसका नाम होता है। और इसका एक नाम और है जो बहुत फेमस है, वो है मॉस रोज। कई लोग इसको समर मॉस भी कहते हैं क्योंकि ये गर्मियों में ही फूलता है और जब धूप निकलती है तभी ये फूलता है। नौबजी का मतलब होता है ये सुबह 9 बजे के बाद ज़्यादातर फूलता है क्योंकि 9 बजे के बाद ही धूप निकलती है। तो इसको देखिए, बहुत आसानी से लगने वाला पेड़ है ये, बहुत बस आप इसको तोड़िए, यहाँ से थोड़ा सा छील दीजिए इसको और साइड में ऐसे बस फंसा दीजिए। इसका फूल भी बहुत सुंदर, कई कलर इसके आते हैं, ढेर सारे कलर, मिक्स भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से सिर्फ इसको बहुत आसान है लगाना, इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए हमने ये लगा दिया है, इसमें लगा दिया है, ये देखिए हमने इस तरह से इनमें पेड़ ये लगा दिए हैं। अब इनको टांगना है, टांगेंगे हम कैसे, अगर आपके पास टांगने की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी कहीं भी जगह आप बना लीजिए, वहाँ ऐसे हैंग कर सकते हैं, इस तरह से टंग जाएगा और यहाँ से फूल आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। ये कई तरह के होते हैं, कई वैरायटी के होते हैं, येलो रेड, और इसकी खास बात इसका जो फूल होता है बहुत धूप में ही आता है, लेकिन इसका फूल जो आता है किसी किसी में बिल्कुल रोज की तरह आता है, इसलिए इसको समर रोज नाम दिया गया है। बिल्कुल गुलाब की तरह फूल खिलता है और बहुत सुंदर फूल खिलता है, किसी किसी का छोटा बड़ा हर तरह के फूल होते हैं इसमें। तो इस तरह से आप इसको नौबजी को लगाइए, नौनिया भी बोलते हैं, नौबजी लगाइए, नौनिया लगाइए, कुछ भी आप जो भी आप अपने घर में नाम ले सकते हैं। और इसका खासतौर से इसकी सब्जी भी बनती है, ये आप सर्च करेंगे तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, ये देहातों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और पाया जाता है, और इसकी लोग बाग देहातों में सब्जी भी बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं इसको, इस तरह से टांग करके। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने बॉटल्स लटका दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक के लटकाने की व्यवस्था थी, अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी तरह से इनको रस्सी में बांध कर टांग सकते हैं। और दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल इनमें आ गए हैं, करीब 7-8 दिन पहले ही हमने ये टांगे हुए थे, और इनमें देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, और इन्हीं से ही आप दोबारा ही प्लांट्स बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर में छत पर प्लांट लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पेड़ लगाते रहें, और अपनी प्रकृति को एवं अपने घर को सुंदर बनाते रहें। दोस्तों नमस्कार।